स डायग्नोस्टिक्स एजलस डायग्नोस्टिक्स आपकी ये किताब द परफेक्ट टेन जो ये दावा करती है कि अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें और मिनिमम टेन मिनट्स स्पेंड करें यू कैन स्टे फिट प्लीज लेवरेट तो uh... मैं ये नहीं कहती कि आपको अगर कोई गोल अचीव करना है वो दस मिनट में होगा बिकॉज दैट्स नॉट 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 ट्रू मगर अगर आपको अपनी सेहत पे ध्यान रखना है और आजकल के ज़माने में आपको पता है किसी को भी पूछो आ, कुछ एक्सरसाइज करते हो वो लोग बोलते हैं नहीं टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता आ, और मैंने देखा कि जब आ, कोविड चल रहा था और लॉकडाउन में हम लोग सब घर पे थे तो सब लोगों को बहुत टाइम था एक्सरसाइज कर रहे थे बहुत फिट हो गए हम लोग मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी और कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस आठ घंटे के बाद अगर मैं अपनी स्मार्ट वॉच देखती थी तो शायद मैंने पचास स्टेप किए हैं तो फ्रॉम अ पर्सन हु यूज टू बी इन द जिम और लगातार लोगों को एक्सरसाइज कराती थी सडनली मैं कंप्यूटर के सामने बैठी हुई हूँ उनको एक्सरसाइज करा रही हूँ मगर मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं होती थी सो आई सेट अ टाइमर ऑन माय वॉच ऑन माय फ़ोन एवरी टेन एवरी वन आवर के गेट अप एंड वॉक फॉर फाइव मिनट्स तो हर एक घंटे में मैं पाँच मिनट उठ के चलती थी अपने घर में बिफोर द नेक्स्ट क्लाइंट तो छः घंटे में तीस मिनट वॉक हो जाता था आठ घंटे अगर काम करती थी तो चालीस मिनट वॉक हो जाता था एंडलाइज फिटनेस इज़ ईजी यू डोंट रिक्वायर टू गो टू द जिम यू डोंट रिक्वायर टू स्पेंड एन आवर एंड जो लोग बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता वर्कआउट करने के लिए मैंने सोचा uh, उनके लिए कुछ बनाते हैं यू नो सम आई मीन गिव दैम समाइज दैट आर इजी टू डू क्योंकि लॉकडाउन के बाद वही लोग जो बहुत एक्सरसाइज करते थे उनके पास टाइम नहीं था वो लोग कुछ नहीं करते थे तो आफ्टर वर्किंग आउट लाइक ड्यूरिंग लॉकडाउन सिक्स डेज अ वीक सडनली वो लोग छः महीने में शायद एक बार वर्कआउट करते थे एंड तभी ये कॉन्सेप्ट आया कि दस मिनट के ईजी वर्कआउट्स आप कहीं भी कर सके एटलीस्ट आपकी बॉडी में मूवमेंट होती है वील टॉक अबाउट द बॉडी मूवमेंट इन द सेकेंड पार्ट पर जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें आपकी स्टोरी पता चलती है यासमीन कराची वाला की स्टोरी तो ये ऑलमोस्ट थर्टी ईयर्स तीस साल पहले की स्टोरी है आई वॉज अराउंड ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड और मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती थी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो स्टार्टेड डेटिंग अ बॉय और उसको अच्छा लगना था तो उसने मुझे फोर्स किया कि मेरे साथ जिम आओ और मैं उसके साथ जिम गई उसको कंपनी देने के लिए और उसको पता था क्या करना है तो उसने एक्सरसाइज शुरू कर ली मैं ऐसे घूम रही थी कि क्या करूं कहां जाऊं कहां भटकूँ एंड आई सो इन अ रूम सम बड़ी सम पीपल डांस एंड मैंने बोला मैं तो बहुत अच्छी डांसर हूँ ये तो मैं कर सकती हूँ आई वेंट इन आई कूडेंट डू एनी थिंग I didn't know how to coordinate or um, I started going and my, the beginning of my career started from there. But unfortunately, my friend who uh, uh, forced um, uh, the gym, were and her father um, got very drunk and he shot the whole family. And um, I was right there. I missed a bullet. My friend was not so fortunate. Her mother was not so fortunate. And then we had to take them to the hospital and um, they were declared dead. Must have been very traumatic and beyond words. Um, it was. Um, also, I was very young and um, yeah, it was very traumatic. Then, how did you recover from it? i think you know um, 1990s may uh, we didn't know about psychiatrists we didn't know about counseling we just had to be tough and move on and um, i think it was the support of my family i went abroad uh, my you know after i graduated i wanted to go abroad and my parents first of all never wanted to send me abroad because i'm from a muslim family और माई मदर नेवर वॉन्टेड हर डॉटर टू गो अब्रॉड मगर जब ये हादसा हुआ उसके बाद मैंने जब बोला मुझे बाहर जाना है माई मदर इंकरेज मी टू गो आउट के से चेंज ऑफ सीन विल हेल्प मी एंड दैट्स वन आई वेंट माय ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग एंड आई थिंक इट वॉज जस्ट थिंकिंग पता नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ जैसे मैंने बताया मैं वो क्लास में गई और मुझे कुछ नहीं आता था एंड uh, सब लोगों ने मुझे बहुत ही uh, गंदे लुक्स दिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम्हें कुछ नहीं आता यू डोंट बिलोंग हियर मुझे इतना बुरा लगा दई केवरी डे To the class क्लास uh, till I got to do all the exercises really well and एक दिन जो जब instructor was unwell she called me at home और उसने कहा कि आप मेरी class सिखा सकते हो और मैंने बोला do you mean सिखाओ like I've barely managed to be able to do it और उसने बोला नहीं वहाँ पे कसीट है वो प्ले करना और तुम कर सकती हो तो मैं गई मैंने कसेट प्ले किया एंड लिटरली मुझे पूरे दस सॉन्ग की कोरियोग्राफी याद थी मैंने क्लास सिखाई बहुत मज़ा आया लोगों को बोलने को क्या करना है कभी uh, नी ऊपर करना है लेफ़्ट में चिल्लाई कोई लोगों पे बहुत मज़ा आया लोगों को बोलने को के डू दिस डोंट डू दैट एंड व्हेन आई वेंट टू द यूएस आई वेंट टू अ समर कैंप टू डू काउंसलिंग और वही इंस्ट्रक्टर ने बोला कि इंडिया में कोई सर्टिफाइड नहीं है तो जब तुम ऑपरचुनिटी मिल रही है यू एस जाने के लिए तो वाई डोंट यू गो टू अ टीचर्स ट्रेनिंग और मैं गई एंड आई सर कितना मुश्किल हो सकता है जब मुझे कुछ नहीं आता था मैंने क्लास सिखा ली तो ये तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान है आई थिंक आई वॉज अ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट परसन विदाउट एनी नॉलेज बट मैं गई एंड इट वॉज़ रियली डिफिकल्ट फर्स्ट टाइम आई डेंट पास माई टेस्ट बिकॉज द पासिंग परसेंटेज वॉज एटी तो मुझे वापस करना पड़ा बिकॉज यू नीडेड टू नो एटमी ऑफ द बॉडी इज़ साइंस और मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी सो या दैट्स हाउ इट द जर्नी फिर आप हिंदुस्तान वापस आई एज अ फिटनेस ट्रेनर आपका करियर शुरू हुआ और शुरू में बहुत सारे लोगों को आपके पास से निराश होकर लौटना पड़ा बिकॉज दे वॉन्टेड क्विक सॉल्यूशन पाँच दिन में तीन किलो घटाओ पंद्रह दिन में तीस किलो घटाओ समथिंग ऑफ दैट नेचर करीबन बताइए किस तरह के लोग आते थे क्या रिक्वेस्ट लेकर आते थे <laughs> तो मैंने स्टेप एरोबिक क्लासेस शुरू की विच वॉज अ ग्रुप क्लास इट स्टार्टेड विद फाइव पीपल वेंट ऑन टू ट्वेंटी फाइव पीपल और बहुत सारे लोग आते थे uh, जैसे आपने कहा uh, शादी है एक महीने में आई वॉन्ट टू लूज फाइव किलोज इतना भी नहीं कि तीस किलो एक महीने में पीपल वर स्टिल नॉलेजेबल थोड़ा बहुत एंड तो उनको बताना पड़ा हाउ द बॉडी वर्क्स हाउ द मेटाबॉलिज्म वर्क्स हाउ इट्स नॉट पॉसिबल हाउ यू हैव टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल एंड इट्स नॉट यू नो अ डेस्टिनेशन और बहुत सारे लोग खाने के बारे में पूछते थे आई वॉज नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट आई एम स्टिल नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट मगर आई स्टार्टड रीडिंग अप एंड विद मोर पीपल वर्किंग आउट केम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात है अगर आप लोगों को एडुकेट करते हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं मुमकिन है दैट दे कैन मेक द ओन डिस आई थिंक आई फाउंड दैट द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ बीइंग एन इंस्ट्रक्टर इज गिविंग द पावर टू माय क्लाइंट्स टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है वी आर गोइंग थ्रू द कमेंट्स एज वेल जो आपके सोशल मीडिया पर होते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको अपनी फिटनेस के लिए अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फिक्रमंद रहना पड़ता है क्योंकि बहुत टफ रिजीम है उनके लिए वर्क शेड्यूल उनके बहुत एक्टिव होते हैं बहुत सारे लोगों ने आपकी किताब के बारे में लिखा है विच इज़ पब्लिश एज वेल हम एक एक करके उनका नाम लेंगे आप मुझे बताइए कि उनकी फिटनेस के बारे में स्पेशल क्या है वट इज़ देयर अप्रोच वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम देम राइट आई स्टार्ट विद दीपिका पादुको ने बींग स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही डिसप्लेंड है बहुत ही फोकस्ड है और दीपिका इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करनी है करती है क्योंकि उसको सिर्फ अच्छा लगना है जो ऑफ़ कोर्स सबको लगना है बट बिकॉज जब वो एक्सरसाइज करती है शी फील्स गुड बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो यू रिलीज एन हार्मोन कॉल एंडफिन एंड एनडोर्फिन्स आई योर फील गुड हार्मोन्स सो दीपिका एक्सरसाइज कभी कभी पाँच बजे सुबह में करती है इफ़ हैज़ अ सेवन ओ क्लॉक कॉल टाइम बिकॉज शी फील्स कि अगर वो अपना दिन एक्सरसाइज से शुरू करती है तो उसका दिन बहुत ही अच्छा जाता है आलिया भट्ट आलिया she केम टू मी आलिया सिर्फ 20 साल की थी अभी वो माँ बन गई है एंड शी वॉज आई to टू कॉल my बेबी क्योंकि वो सबसे यंग थी जब आई थी मगर आलिया बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती थी जब वो उसने शुरू किया और अभी उसकी लाइफ है कि उसको एक्सरसाइज के बगैर दिन अच्छा नहीं जाता कटरीना कैफ उन्होंने आपकी बुक का इंट्रोडक्शन भी लिखा है। जी हाँ कटरीना इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर। कटरीना को uh, चीज़ें आसानी से नहीं मिली है ये फिल्म इंडस्ट्री में और उसकी स्टोरी भी बहुत ही कठिन है सो so, कटरीना

आई थिंक ऋतिक रोशन मेरे ख्याल से ये टाइगर श्रॉफ वाली जनरेशन है <laughs> <coughs> हाँ क्योंकि यंगर जनरेशन है ना हमारे जनरेशन के लिए ऋतिक रोशन है बट पोस्टर बॉय वर्क्स वेरी हार्ड ऑन हिमसेल्फ सेल्फ ऑन हिज रोल वेरी इंटेंस मतलब ऋतिक को बोलना पड़ता है कि भाई रिलैक्स करो एक्सरसाइज कर रहे हैं एग्जाम नहीं दे रहे हैं और ऋतिक को लिटरली जब मैं जाती थी ऋतिक को ट्रेन करने तो वो स्ट्रेचिंग करते थे एंड आई टू समाइम्स वेट फॉर टेन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स क्योंकि उनकी स्ट्रेचिंग खत्म ही नहीं होती थी एंड देन आई सर इफ आई कम एंड यू स्ट्रेच आई एम गोन ओ लीव तो उनको थोड़ी धमकी देनी पड़ी सलमान खान अच्छा ऋतिक रोशन के लिए आवाज नहीं आई मगर सलमान भाई के लिए आ गई <laughs> सलमान को मैं uh, तीस साल से जानती हूँ और सलमान हमेशा मुझे बोलते हैं कैसे एक्सरसाइज करने की तो <laughs> लेकिन उन्होंने बुक में तो लिखा है कि उनकी गैलेक्सी में उनके अपार्टमेंट में जो जिम है वहाँ पे मैंने शुरुआत की थी वेट ट्रेनिंग की yes. क्योंकि मैं एरोबिक इंस्ट्रक्टर हुआ करती थी और फिर जब मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू की तो मैं सलमान के जिम जाती थी और वो मुझे सिखाते थे या कोशिश करते थे कैसे एक्सरसाइज करने को करण जौहर करण इज अ फन पर्सन वो नाउ यू सी हिम नाउ यू डोंट तो okay. जब आते हैं तो बहुत ही फोकस्ड होते हैं जब नहीं आते तो सालों तक नहीं आते हैं वाह व्हाट अबाउट विकी कौशल आई थिंक विकी कटरीना के साथ रह के बहुत uh,

She got pregnant, she's had a baby. Or pregnancy, put on weight. Tha, to hum log sari pilates karte the, uh, because that was something new. She'd never done it before and she really enjoyed doing it. Last, may I'll mention a cricketer, Hardik Pandya. He's fab. He's very good. I mean, I love Hardik because... जब हार्दिक मेरे पास आए थे वर्कआउट uh, करने के लिए तो मैं थोड़ी डर सी गई थी क्योंकि यू नो ही सच बिग क्रिकेटर उनको मैं वर्कआउट करा पाऊँगी नहीं बट ही सो हम्बल कि पहले तो एक घंटा हम लोग बात कर रहे थे बिकॉज आई आई नेवर मेट हिम एंड वट एवर आई सो ऑफ हिम वर्स फ्रॉम द करण जोहर शो विच डिट गो वेल एट दैट टाइम एंड आई वॉज़ लिटिल एप्रीहेंसिव कि मैं कैसे बात करूँगी कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी मगर उनको मिलने के बाद आई रियलाइज दैट ही इज़ सच ए नाइस पर्सन जो उन्होंने बोला था वो वैसे बिल्कुल नहीं है वो बोल दिया और पूरी दुनिया ने पकड़ के रख लिया जो हमारी आदत है कि कोई दस अच्छी चीज़ें बोले एक गलत चीज़ बोले हम हमारे को सिर्फ गलत दिखती है मगर जब मैंने उनके साथ एक्सरसाइज़ शुरू की he was the perfect student because उनको ये नहीं था कि मुझे ये आता है मुझे ये नहीं आता है उन्होंने बोला यस yes, पिलाटस तुम्हारा फील्ड है मुझे कुछ नहीं आता तो मैं जैसे नॉविस है बिगिनर हूँ मैं वैसे ही वर्कआउट करूँगा और उनको हर एक्सरसाइज फील हुई बिकॉज ही सो अवेयर ऑफ हिज बॉडी बींग एन एथलीट सो आई थिंक आफ्टर दीपिका पाडूको इट वॉज हार्दिक पांड्या हु रियली अप्रीशिएटेड पिलाटिस बिफोर वी ओपन द फ्लोर फॉर ऑडियंस क्वेश्चन किताब का आइडिया कैसे आया कैसे आया मतलब आपको लगातार ये फीडबैक मिल रहा था क्या कि अगर आप इस सारे सजेशंस को कंपाइल कर दें या आपके पब्लिसिस्ट ने बोला पी आर ने बोला तो नहीं आई डोंट है पी आर बट आई जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के बाद Uh, मैंने देखा कि लोगों के पास वक्त ही नहीं था एक्सरसाइज करने का एंड फॉर मी इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि टू मेक एक्सरसाइज ईजी लोगों के लिए कि एक्सरसाइज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मूवमेंट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मगर मूवमेंट हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो मैं चाहती थी कि मैं लोगों के साथ मूवमेंट शेयर कर सकूं और मैंने बोला अगर मैं बोलूंगी 45 मिनट वर्कआउट यू you नो know, जिनको मूव नहीं करना है वो भी नहीं करे मगर अगर मैं किसी को भी ऑडियंस में कि दस मिनट के आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप क्या बोलोगे यू नो एंड व्हाट आई डिड वाज आई मेड हर टेन मिनट वर्कआउट को मैंने स्टैक बनाया है और मैंने कहा है कि अगर आपके पास दस मिनट है तो एक स्टैक कीजिए अगर आपके पास बीस है तो यू यू नो स्टैक इट आप दो स्टैक कीजिए हाउ मच एवर टाइम यू हैव इफ़ यू हैव टेन मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड टेन मिनट्स इन द इवनिंग डू वन स्टैक इन द मॉर्निंग वन स्टैक इन द इवनिंग एंड आई वॉन्टेड टू मेक इट इवन मोर इजियर तो इसीलिए मेरी बुक में क्यू आर कोड है जब आप स्कैन करते हो इट टेक्स यू टू ऑल माई ट्वेंटी फाइव टैन मिनट वर्कआउट वीडियोज वे यू कैन वर्कआउट आउट अलॉन्ग विद मी

तो मेडिटेशन से हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा तो उसके मेंटल हेल्थ अच्छा होने के साथ-साथ में हमारा फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे ये आपकी थ्योरी है कि मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो फिजिकल अपने आप अच्छा हो जाएगा जी जी ये इस बारे में कुछ बताएं डू यू एग्री विद इट आई डोंट एग्री विद दैट अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो सकता है क्योंकि अगर आप ब्रीथ करते हो वाइल एक्सरसाइजिंग एंड एक्सरसाइजिंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिटेशन मेडिटेशन इज ब्यूटिफुल हम सबको करना चाहिए मगर मेडिटेशन से आपकी फिजिकल हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली अच्छी हो सकती है जी हेलो मैम मेरा नाम आनंद पांडे अनिल कपूर सर 67 की एज में चाचा और बाबा ना लग के भैया लगते हैं क्या राज है वो तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा <laughs> मतलब कुछ तो क्या करते हैं एक्सरसाइज मतलब पूछा? आप ये पूछ रहे हैं कि क्या यास्मीन ने सोनम से कभी पूछा कि तुम्हारे पापा इतने यंग क्यों दिखते हैं <laughs> तो क्या तो ऐसे पूछो ना मतलब कनेक्शन तो पहले करो नहीं मैंने कभी नहीं पूछा उनको दिख उनको देख के ही लगता है कि वो फिजिकली फिट है वो अपनी मुझे पता है कि वो अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं और एक्सरसाइज रोज़ करते हैं ये मैं बता सकती हूँ कैसे डिटेल में तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा जी हाय सर हाय मैम मेरा नाम मेहक माथुर है एंड आई एम फ्रॉम विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ Um, बहुत लोग मॉर्निंग में प्रेफर करते हैं वर्कआउट करना एंड बहुत लोग इवनिंग में प्रेफर करते हैं सो डज इट एक्चुअली मैटर व्हाट टाइम ऑफ डे यू वर्कआउट एंड इज़ देयर बेनिफिट कि इफ यू वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग्स इफ यूंग इन द इवनिंग दे आर सर्टन बेनिफिट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू वर्कआउट राइट एंड यू हैव टू वर्क आउट वैन यू कैन फाइंड द टाइम टू वर्क आउट And some of us find time in the morning, some in the evening, and some in the night. So there's no perfect time to work out. Jolok bolte hai, ke morning is the best time, is because when you wake up, your metabolism is a little faster, but it's got no effect on the workout uh, benefits that you're gonna get on your body. Okay, so it's the same in the evening. also. <laughs> Just Thank work you. out whenever you have time to, but the most important thing is work out. Thank you. Gee, <laughs> next question. Backbenchers. सोना नहीं है इधर फोकस क्या है सवाल पूछना तो पड़ेगा वरना मैं आ जाऊंगा वहाँ उठ के हाय मेरा नाम देवानश है मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ प्रोटीन लाइक वर्कआउट से पहले कुछ प्री प्रोटीन्स लेते हैं और वर्कआउट के बाद सप्लीमेंट्स लेते हैं उसको आप किस तरह से सजेस्ट करती हैं क्या लेना uh, चाहिए और क्या नहीं I've said protein is important for our body to mm -hmm. have with every meal. So, with every meal, because mm -hmm. there are many vegetarians who are not eating protein. Mm -hmm. Right? So, I think protein is as important as every meal should consist of carbohydrate, protein, good fat, uh, fiber, and minerals. So, these are the five things that you need to have and make sure you include it in every meal. Where you're talking about exercise, you have a pre workout. बूस्ट और पम्प दैट मोस्ट पीपल नीड टू एक्सरसाइज जिनमें एनर्जी नहीं होती है बट प्रोटीन शुड बी हैड आफ्टर वर्कआउट बिकॉज इट्स मोस्ट ईजिली डाइजेस्टेड बाई बॉडी जी अगला सवाल मेरा नाम विकास शर्मा है मैं, मैं सोवियत यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ गंगो से मैम मेरा सवाल यह है कि वेट ट्रेनिंग से कुछ हाइट पे फर्क पड़ता है क्या लटकने से पड़ता है बचपन में अगर लटके हो तो वेट ट्रेनिंग से हाइट पर नहीं फर्क पड़ता बट वी नॉर्मली टेल चिल्ड्रन जिन हु नॉट यू रीच प्यूबर्टी के वेट्स मत उठाओ बॉडी वेट एक्सरसाइज करो राइट बिकॉज स्ट्रेंथन योर कॉज स्ट्रेंथन योर बेसिक फाउंडेशन बिफोर यू लिफ्ट वेट्स आप ये पूछना चाहते हो कि वेट हाइट नहीं बढ़ेगी इफ़ यू डू वेट ट्रेनिंग जस डैट्स द क्वेश्चन राइट नो इट हैज़ नो रिलेशनशिप जी हेलो मैम हाय। माय इज ईशा एंड मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नया नया जिम जाना स्टार्ट करा है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के लिए कितना टाइम डिवाइड करना चाहिए आपके पास कितना टाइम है मैम वन एंड हाफ आवर्स वाह तो मेरी बुक तो आपके लिए है ही नहीं इट uh, डिपेंड्स कि आपके आपका गोल क्या है इज़ योर गोल बिल्डिंग मसल इज़ योर गोल लूजिंग वेट इज़ योर गोल शेपिंग आप उस हिसाब से आप अपने जिम ट्रेनर को पूछ सकते हो दे डू अ होल बॉडी अनालिसज यू नो एंड देन बॉडी कम्पोजिशन टू नो हाउ मच मसल यू हैव हाउ मच फैट यू हैव और फिर आप, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना वेट ट्रेनिंग करना चाहिए और कितना कार्य इट्स नॉट अ थम रोल जो सबको अप्लाई करता है ये मशहूर स्टैंड कॉमेडियन प्रत्युष चौबे बैठे हैं। ये सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज इनको माइक दीजिए। मेरा बस एक ही सवाल है कि ये जो लोग मिलते ही पेट निकलने के बारे में पूछते हैं कि आपका पेट निकल रहा है पेट कम हो रहा है इसको कैसे कम कर सकते हैं मेरे पास कोई सवाल था नहीं सौरभ भाई ने माइक पकड़ा दिया तो मैं कुछ तो बोलूंगा नहीं और मेरा ये ऑडियंस से भी सवाल है तुम लोग भी कब बंद करोगे यार एक दूसरे से पूछना पेट के बारे में और कुछ सवाल बॉडी शेविंग जिसका पेट निकला है उसको पता है कि उसका पेट निकला है मतलब आप क्या बता रहे हो सर सबसे घोनी बात मिलते ही किसी आदमी के पेट पे घूरना ये किसके संस्कार है मुझे एक्चुअली ये, ये होता है अगर बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको अपने पेट के बारे में कॉन्शियस किया हो ओके बिकॉज माई मदर वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप हमेशा बोलती थी पेट थोड़ा बाहर निकला है तो मुझे लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं देना था क्योंकि घर में ही माँ बोलती थी पेट तो जब वैन आई स्टार्ट वर्किंग आउट माई फर्स्ट फोकस वॉज माई स्टमक एंड एनी टाइम आई यूज टू वे क्लोज आई सू से पेट तो नहीं दिख रहा है सो so, ये होता है बचपन में माँ बाप बोलते रहते हैं पेट निकला है पेट निकला है ये वहाँ से शुरू होता है आज के बच्चों को अगर बोलो वो लोग बोलते हैं बॉडी शेमिंग हाउ कैन यू से दैट इट्स यू नो और एक झगड़ा शुरू हो जाता है मगर हमारे वहाँ तो जब मैं बच बहुत पहले छोटी थी तो ये तो नॉर्मल था बट कमिंग टू योर क्वेश्चन पेट निकलना इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉट गोज़ इन ओके यू कैन एक्सरसाइज आप थाउजेंड क्रंचेस कर सकते हो पंद्रह बीस मिनट एक घंटा पेट पे वर्कआउट कर सकते हो मगर अगर आप फिर जाके वड़ा पाव और समोसा खाओगे तो कुछ नहीं हो सकता जी आखिरी सवाल लास्ट क्वेश्चन हेलो मैम हाय आई एम जुबैर अहमद आई एम अ लॉयर सो so, एक मेरा क्वेश्चन है कि ये पिलाटे फॉर्म ये कहाँ से आया कितना पुराना है एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो अच्छा हुआ मैंने होमवर्क कर मैं होमवर्क करके आई हूँ वरना आप तो लॉयर हो सू कर देते हैं पिलाटस वॉज डिराइव्ड बाय मिस्टर जोसेफ पिलाटस हु फॉर्मुलेटेड दिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ही वॉज अ जर्मन ही वॉज एन इंटर्न इन द कैम्प्स और वहाँ पे जहाँ जब सोल्जर्स के हाथ पैर नहीं थे वो बेड रिडन थे मिस्टर पिलाटस उनको बेड पे एक्सरसाइज कराया करते थे बेड के स्प्रिंग्स यूज़ करते थे और एक्सरसाइज कराते थे और जब पहला पैंडमिक सौ साल पहले आया था तभी जो उनके ग्रुप ऑफ पीपल थे जो उनके साथ एक्सरसाइज करते थे उनको कुछ नहीं हुआ जब लोग मर रहे थे उनके आजू बाजू तो तभी ये मिस्टर uh, पिलाटस ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर ही मूव टू अमेरिका और वहाँ पे न्यूयॉर्क में उन्होंने अपना स्टूडियो uh, खोला जो कंट्रोलोजी हुआ करता था उसका नाम था जब वो गुजर गए उसके बाद पिलाटस वर्ड फॉर्म हुआ उनकी याद में एंड पिलाटस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ थैंक यू यासमीन द परफेक्ट बाई Which has been published by Penguin. 10 minute workout you can do anywhere, even after your stand up comic act. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone.